सो नेक्स्ट लेक्चर डियर स्टूडेंट, आज हम फ्लिप फ्लॉप के ऊपर लेक्चर डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं फ्लिप फ्लॉप, तो देखिए यहाँ पे वन बाय वन। पहला पॉइंट, फ्लिप फ्लॉप होता है स्टूडेंट, इट इज अ मल्टी वाइब्रेटर। क्या लिखना है आपको स्टूडेंट, इट इज अ बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यहाँ पे लिखना है आपको इट इज अ बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, आपको लिखना है बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, राइट, मल्टी वाइब्रेटर, ओके, बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो स्टूडेंट कि इट इज अ फ्लिप फ्लॉप है, इट इज अ वन बिट मेमोरी सेल, इट इज अ वन बिट, इट इज अ वन बिट मेमोरी सेल। तो आप ये दो पॉइंट लिख सकते हो आप, राइट। देन थर्ड पॉइंट लिख सकते हो आप कि इट कैन बी स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम। कौन से फॉर्म में? एक तो जीरोज के फॉर्म में और वंस के फॉर्म में, राइट, एक तो जीरोज के फॉर्म में या फिर वन के फॉर्म में आप वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो फ्लिप फ्लॉप में। मीन्स इट कैन बी स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम, एक तो जीरो में या फिर वंस के फॉर्म में आप उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। देन फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो डियर स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो स्टूडेंट, इट हैज टू स्टेबल स्टेट, रो दो स्टेबल स्टेट, दैट मीन जीरो एंड वन। तो ऐसे चार पॉइंट आप लिख सकते हो स्टूडेंट फ्लिप फ्लॉप को। अगर पूछा गया आपको कि फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताइए, तो आपको फ्लिप फ्लॉप में पहला पॉइंट लिख सकते हो कि इट इज अ बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इट इज अ वन बिट मेमोरी सेल, इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर, यहाँ पे लिख सकते हो आप यूज्ड टू स्टोर, यहाँ पे लिख ऐड कर देना, इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम जीरो और वन के फॉर्म में, और इट हैज अ टू स्टेबल स्टेट जीरो और वन। तो टाइप्स होते हैं फ्लिप फ्लॉप के, पहला टाइप एसआर और आरएस फ्लिप फ्लॉप, दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप, तीसरा डी फ्लिप फ्लॉप और चौथा है आपका टी फ्लिप फ्लॉप। तो ये चार टाइप होते हैं बेसिकली फ्लिप फ्लॉप के। तो चलिए वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते। तो सबसे पहले हम एसआर और आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखेंगे स्टूडेंट, एसआर और आरएस के फ्लिप फ्लॉप में। तो देखिए आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना, यहाँ पे आपको लिखना है एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो इसके दो इनपुट रहेंगे, दो इनपुट, एक होगा आपका एस और दूसरा होगा स्टूडेंट आर, दो इनपुट। और यहाँ पे आपको क्लॉक दे देना है, तो क्लॉक आपको इसे दे देना है स्टूडेंट क्लॉक, तो इसे हम कहेंगे क्लॉक दे देते हो। और यहाँ पे दो आउटपुट देने हैं आपको, एक होगा आपका क्यू और दूसरा होगा स्टूडेंट आपका क्यू बार, राइट, ये दो आउटपुट हो गए आपके पास। और ये दो इनपुट हो गए माय डियर स्टूडेंट, ये दो इनपुट और एक क्लॉक देना होता है, दो आउटपुट, राइट, ये दो आउटपुट। और यहाँ पे आपको ट्रूथ टेबल, ये एक ट्रूथ टेबल आपका, तो यहाँ पे आपको लिखना होता है इनपुट, यहाँ पे आप लिखोगे इनपुट, राइट, और यहाँ पे आप लिखोगे स्टूडेंट आउटपुट, यहाँ पे आप लिखोगे आउटपुट, ए इनपुट और ए आउटपुट। इनपुट है आपके पास दो, ए और बी, सॉरी यस और आर, तो यहाँ पे आप यस और आर, ये दो इनपुट से आपके पास यस आर, और आउटपुट है क्यू और क्यू बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्यू, राइट। तो मैं आउटपुट लिखते हुए देखे स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, यहाँ पे देखिए एक तो क्यू एन और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यू एन प्लस वन, एक क्यू एन लिखूंगा स्टूडेंट में और एक में लिखूंगा क्यू एन प्लस वन। क्यू एन का मीनिंग है यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टेट है, और क्यू एन प्लस वन का मीनिंग है नेक्स्ट स्टेट, एन प्लस वन का मीनिंग है नेक्स्ट स्टेट, ये प्रेजेंट स्टेट, ये एसआर इनपुट। और यहाँ पे मैं एक आपको क्लॉक दे दूंगा स्टूडेंट, एक क्लॉक जो दिया है हमने वो क्लॉक दे देना है आपको, और क्लॉक को आपको लेने पॉजिटिव क्लॉक, पॉजिटिव क्लॉक लोगे तो आप ऐसे डायरेक्शन शो करोगे ऊपर, राइट, ऐसे आप क्लॉक, ये भी ऐड कर दीजिए ट्रूथ टेबल में, ये भी ट्रूथ टेबल में आप ऐड कर दीजिए डायरेक्टली, ओके। तो आप क्लॉक लोगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका इनपुट, ये क्लॉक, ये एसआर दो इनपुट और ये आउटपुट दो, एक प्रेजेंट स्टेट एक नेक्स्ट स्टेट इसमें। तो देखिए दो इनपुट कैसे लेंगे हम एसआर, पहले दो जीरो जीरो, देन बाद में वन वन, देन पहले जीरो देन वन देन जीरो एंड देन वन, राइट। तो दो इनपुट हो गए तो हम कैसे देते, डिजिटल सर्किट फ्लिप फ्लॉप में हमें दो इनपुट अगर हो गए तो आप कैसे दोगे इनपुट्स, तो पहला जीरो जीरो, दूसरा वन वन, देन जीरो वन जीरो। तो देखिए अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, अगर दोनों जीरो हो गए
दोनों जीरो होगे, तो आपको यहाँ पे देना है स्टूडेंट क्यू एन जो भी होगा उसे आपको यहाँ पे देना है क्रॉस करके देना है। यहाँ पे क्या देना है आपको, क्रॉस करके देना है। क्यों क्रॉस करके देना है, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट में हमने जीरो जीरो दिया, कुछ भी दिए, कुछ भी दीजिए इनपुट, तो क्यू एन आपका कुछ भी रह सकता है, एक तो जीरो भी रह सकता है और वन भी रह सकता है। जो भी आपका प्रेजेंट स्टेट है उसे क्रॉस क्यों देना है आपको, क्योंकि आपको जीरो जीरो दीजिए, जीरो वन दीजिए, वन जीरो दीजिए, या फिर वन और वन, इसका मतलब है कि यहाँ पे जीरो या फिर वन आ सकता है, इसलिए क्रॉस दिया। क्रॉस का मीनिंग है, इस क्रॉस का मीनिंग है कि यहाँ पे एक तो जीरो आ सकता है या फिर वन, यहाँ पे भी जीरो आ सकता है या फिर वन, यहाँ पे भी जीरो वन या फिर जीरो और वन आ सकता है। अब क्यू एन प्लस में देखिए, जब भी एस आर फ्लिप फ्लॉप में जीरो जीरो होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है जो क्यू एन है वो एज इट इज लिखना है, और साइड में लिखना है ब्रैकेट में आपको लिखना है नो चेंज। इस क्यू एन का मीनिंग है कि नो चेंज, राइट। प्रेजेंट स्टेट है, क्यू एन प्लस वन का मीनिंग है प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट। तो क्यू एन प्लस में जब भी हम इनपुट जीरो जीरो देंगे तो आपको लिख देना है ये क्यू एन लिख देना है, इसका मीनिंग है नो चेंज। ओके, तो आउटपुट में जब भी हम जीरो जीरो देंगे तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज लिखना है। देन जीरो वन अगर हमने दिया, जीरो और वन अगर हमने दिया तो यहाँ पे लिख देना है डायरेक्टली जीरो, और जीरो का मीनिंग है स्टूडेंट रीसेट, जीरो का मीनिंग है रीसेट, तो यहाँ पे लिख देना है रीसेट, राइट। जब भी वन जीरो इनपुट दिया, वन जीरो, तो आपको लिख देना है यहाँ पे वन, और यहाँ पे लिख देना है आपको सेट। और जब भी वन वन अगर इनपुट होगा एस आर में, वन वन इनपुट होगा तो उसे हम कहेंगे स्टूडेंट इनडिटर्मिनेट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इनडिटर्मिनेट मीन्स यहाँ पे हम इनडिटर्मिनेट लिखता हूं मैं, यहाँ पे इनडिटर्मिनेट, इसका मीनिंग है ये जो स्टेट है इनवैलिड स्टेट है एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए, एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए ये जो स्टेट है इनवैलिड स्टेट है माय डियर स्टूडेंट। कौन सी, एस आर में जब इनपुट वन वन होगा तो आउटपुट आता है इनवैलिड, यहाँ पे हम आउटपुट मिलता ही नहीं, इनवैलिड आउटपुट मिलता है हमें, इनवैलिड आउटपुट मिलता है। तो ऐसे आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करोगे, इसे कहते हैं डियर स्टूडेंट ट्रूथ टेबल, और ये ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बताता हूं आपको। एस आर में जब जीरो जीरो होगा तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में आपका जो आउटपुट होगा वो नो चेंज होगा, नो चेंज मीन्स आपको क्यू एन ये जो प्रेजेंट स्टेट वाला आउटपुट है वो यहाँ पे लिख देना है, और डायरेक्टली लिखना है कि इसमें चेंज नहीं होता है। देन जीरो वन अगर आपने दिया तो आउटपुट आउटपुट मिलेगा जीरो मीन्स रीसेट, जीरो का मीनिंग है रीसेट कंडीशन। जब भी आपका इनपुट वन जीरो होगा तो आउटपुट आपको मिलेगा वन, वन का मीनिंग है कि यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको सेट, और जब भी आप वन वन दोगे तब आपको आउटपुट मिलेगा इनडिटर्मिनेट मीन्स आपको इनवैलिड आउटपुट मिलेगा वन वन कंडीशन देके। ये होता है आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल के कंडीशंस, ओके। और ये क्लॉक आपने ऊपर शो के, इसका मतलब है कि पॉजिटिव क्लॉक दे रहे हो आप, और क्यू एन में क्रॉस दिया, इसका मीनिंग है कि आपका जो आउटपुट है क्यू एन में वो आपका जीरो भी रह सकता है, वन भी रह सकता है। क्रॉस का मीनिंग है जीरो भी या फिर वन भी रह सकता है, और क्यू एन प्लस वन का मीनिंग है कि सारे आउटपुट यही पे मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टेट में, इसका मीनिंग है नेक्स्ट स्टेट में जीरो जीरो होगा तो नो चेंज, जीरो वन होगा तो रिसेट, वन जीरो होगा तो वन मीन सेट, वन वन होगा तो इनवैलिड या फिर इनडिटर्मिनेट। और आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होता है लॉजिक डायग्राम, तो इसका लॉजिक डायग्राम भी आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, लॉजिक डायग्राम। तो देखिए लॉजिक डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, सभी नैंड गेट यूज करके, लॉजिक डायग्राम आपको नैंड गेट ही यूज करना है। नैंड गेट देखिए ऐसे होता है, ये आपका नैंड गेट, देखिए ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ये नैंड गेट, ये पहला, देन ये दूसरा नैंड गेट, राइट, ये दूसरा नैंड गेट माय डियर स्टूडेंट, ऐसे ये नैंड गेट, देन इसे आपको ज्वाइन कर देना है, इसे आपको ज्वाइन कर देना है, किया ज्वाइन, देन ये होगा आपका यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये होगा आपका यस, देन ये होगा आपका यहाँ पे देखिए आर, यस और आर इनपुट, देन ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपने ज्वाइन किया, इसे आपको दे देना है क्लॉक, इसे आपको दे देना है क्लॉक। देन यहाँ पे नेक्स्ट इसमें आपको फिर से आपको यहाँ पे नैंड गेट ड्रॉ करना है, देन यहाँ पे भी आपको नैंड गेट ड्रॉ करना है, राइट, नैंड गेट, ये नैंड गेट होता है, नैंड गेट कहते हैं इसे, तो इसे दे देना है यहाँ पे, राइट, इसे दे दिया हमने यहाँ पे।
तो ये होगा आपका आउटपुट क्यू और क्यू बार। तो यहाँ पे दे देना है आपको क्यू और यहाँ पे दे देना है आपको क्यू बार, और इसे आपको ऐसे आगे लाके ऐसे राइट देखे ध्यान से देखे, तो इसे कनेक्ट करना है आपको यहाँ पे और इसे कनेक्ट करना है आपको यहाँ पे राइट। तो इसे कनेक्ट करना है आपको यहाँ पे और इसे कनेक्ट करना है आपको डीए स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो ये हो गया आपका लॉजिक डायग्राम किसके लिए, एसआर के लिए। चार नैंड गेट लीजिए, चार नैंड गेट लिए मैंने, देन इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने। तो ये हो गया आपका क्लॉक, ये हो गया आपका यस और आर इनपुट, ये हो गया आपका क्यू और क्यू बार, ऐसे जोड़ देना है आपको। तो ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप में। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिखोगे, डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है राइट ना। ये ट्रू टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे, पहला पॉइंट देखिए वेन, यहाँ पे मैं पहला पॉइंट आपको लिख के देता हूं, वेन यस और आर, वेन यस इक्वल्स टू क्या, यस इक्वल टू जीरो, आर इक्वल्स टू जीरो, देखिए आर इक्वल्स टू जीरो, देन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या लिखोगे आप, देन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप हैज नो चेंज, हैज नो चेंज, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ही बताइए, वेन यस इक्वल टू जीरो, वेन यस इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू वन, आर इक्वल टू वन, देन आप क्या लिखोगे, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप हैज रिसेट कंडीशन, हैज रिसेट कंडीशन, ऐसे देन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज रिसेट भी लिख सकते हो, देन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज रिसेट। थर्ड पॉइंट कैसे लिखोगे, वेन यस इक्वल टू वन, यहाँ पे लिखोगे वेन यस इक्वल टू वन, आर इक्वल टू जीरो, देन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज सेट, क्या लिखोगे, देन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज सेट। फोर्थ पॉइंट कैसे लिखोगे आप, फोर्थ पॉइंट वेन यस इक्वल टू वन, आर इक्वल टू वन, देन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इनवैलिड मोड, क्या लिखोगे, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इनवैलिड मोड। तो ऐसे आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मगर आप लिख दीजिए एग्जाम में, ये चार पॉइंट ऐसे लिख दोगे आप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहले दो पॉइंट मैंने लिख के दिए, ऐसे ही आप दो पॉइंट वेन यस इक्वल टू वन, आर इक्वल टू जीरो, देन आउटपुट इज सेट, वेन यस इक्वल टू वन, देन आर इक्वल टू वन, देन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इनवैलिड, ऐसे आप पॉइंट लिखोगे। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप, ओके। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट, एस आर फ्लिप फ्लॉप पूछा तो ये, देन ये ट्रुथ टेबल, देन इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद ये लॉजिक डायग्राम। नेक्स्ट टाइप है फ्लिप फ्लॉप का, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप आप यहाँ पे लिखोगे जेके फ्लिप फ्लॉप, ओके, देन ये दो आउटपुट आपके, एक क्यू बार, देन यहाँ पे आएगा आपका जे और यहाँ पे के, ए जे और के, देन यहाँ पे आपको देना होता है क्लॉक, तो ये दे दिया आपने सी एल के क्लॉक, देन ए क्यू और क्यू बार, दो आउटपुट, ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अब आपको लिखना है ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल आपको ड्रॉ करना है। तो ट्रूथ टेबल में ये होगा आपका इनपुट और ये होगा आपका आउटपुट राइट, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट यहाँ पे, देन यहाँ पे आपको एक क्लॉक के लिए एक और कॉलम ड्रॉ कर देना होता है, ये होगा आपका क्लॉक होगा डी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये होगा आपका क्लॉक, ये क्लॉक, ये इनपुट, ये आपके जे और के, इनपुट जे के, देन आउटपुट क्यू और क्यू बार, क्यू एंड क्यू बार राइट। देन देखिए यहाँ पे क्लॉक है आपका पॉजिटिव, तो ऊपर कर दीजिए एरो राइट, देन जे और के में दो जीरो, दो वन, एक जीरो वन, एक जीरो वन, ऐसे हम इनपुट देते दो जीरो, दो वन, जीरो वन, जीरो, देन आउटपुट में ये होता है आपका क्यू एन, सॉरी ये होगा आपका क्यू एन प्लस वन राइट, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, क्यू एन का मीनिंग है प्रेजेंट स्टेट, क्यू एन प्लस का मीनिंग है एन प्लस वन का मीनिंग है नेक्स्ट स्टेट, तो क्यू एन को आपको देना है क्रॉस, इसका मीनिंग मैंने अब भी बताया कि इसका मीनिंग है यहाँ पे जीरो भी आ सकता है वन भी, यहाँ पे जीरो भी और वन भी आ सकता है, जीरो भी और वन भी, जीरो भी और वन भी, इसलिए क्रॉस। देन देखिए जब भी जीरो जीरो होगा आपका जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो होगा क्यू एन, क्यू एन का मीनिंग है नो चेंज, मैंने पहले ही बोला आपको नो चेंज,
देन 01 होगा तो आपको लिखना है 0 मींस रीसेट, देन 10 आपने दिया जेके में तो वो होगा 1 मींस सेट, राइट सेट हो जाएगा। एंड देन 11 अगर दिया आपने जेके में, जेके में अगर 11 दिया तो उसे कहते हैं टॉगल मोड। क्या कहते हैं हम? टॉगल मोड कहते हैं। जब भी आपने जेके फ्लिप फ्लॉप में इनपुट्स 11 दिया तो आपको लिखना आता है टॉगल मोड। तो डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखोगे आप? देखिए डिस्क्रिप्शन में लिख के देता हूं मैं आपको। पहला पॉइंट, व्हेन व्हेन जे इक्वल्स टू जीरो, जे इक्वल्स टू जीरो, के इक्वल्स टू जीरो, देन देन आउटपुट ऑफ, देन आउटपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, देन आउटपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप इज नो चेंज। क्या लिखना है आपको? इज नो चेंज। देखिए नो चेंज है ना जीरो जीरो पे। देन नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन जे इक्वल्स टू जीरो एंड के इक्वल्स टू वन, देखिए ना जे इक्वल्स टू जीरो के इक्वल्स टू वन, देन देन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट। देखिए जीरो जे इक्वल्स टू जीरो के इक्वल्स टू वन, देन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या है? जीरो मीन्स रीसेट, देन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट। थर्ड पॉइंट कैसे लिखोगे आप? व्हेन जे इक्वल्स टू कितना है? जे इक्वल्स टू वन एंड के इक्वल्स टू, देखिए के इक्वल्स टू क्या है? जीरो जीरो, देन यहाँ पे लिखोगे आप देन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ये आपको लिखते आना चाहिए डिस्क्रिप्शन। आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज क्या है? वन और जीरो पे सेट है, तो यहाँ पे लिखना है आपको सेट। और चौथा पॉइंट आपके लिए छोड़ देता हूं, क्या लिखोगे? व्हेन जे इक्वल्स टू वन के इक्वल्स टू वन, तो लिख के ही देता हूं व्हेन जे इक्वल्स टू वन एंड के इक्वल्स टू वन, देन देन यहाँ पे लिखना है आपको आउटपुट ऑफ, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ मीन जेके फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप इज टॉगल मोड। क्या लिखना है आपको? टॉगल मोड पे। तो ऐसे आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट, ये डिस्क्रिप्शन इसका। एंड देन लास्ट में मैंने बोला है आपको कि आपको लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना होता है, तो लॉजिक डायग्राम देके कैसे ड्रॉ करोगे? नैंड गेट यूज करके। तो देखिए ये लॉजिक डायग्राम, ये नैंड गेट पहला, देन ये नैंड गेट दूसरा, नैंड गेट यूज करते हैं, देन ये नैंड गेट तीसरा, राइट, एंड देन ये नैंड गेट चौथा, नैंड गेट राइट, यहाँ पे होगा क्यू, क्यू बार, देन ये होगा माय डियर स्टूडेंट आपका जे, देन ये होगा आपका के, देन इसे हम ज्वाइन कर देंगे, ये होगा आपका क्लॉक, देन इसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सेम एसआर फ्लिप फ्लॉप का जैसे हमने ड्रॉ किया सेम वैसे ऐसे, देन इसे कनेक्ट करेंगे, देन हम इसे कनेक्ट करेंगे, और इसमें सिर्फ एक ही चेंज करना, क्या चेंज करना? देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसे, इस पॉइंट को यहाँ पे, और इसे देखिए ऐसे जाएंगे हम यहाँ पे, और इसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, राइट स्टूडेंट। तो इसे कहते जेके फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक डायग्राम। जो एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है वही ड्रॉ करना, सिर्फ इसमें चेंजेस है, यहां से लेकर यहां तक और ये यहां से लेकर यहां तक। तो यही आपको लिखना है स्टूडेंट जेके फ्लिप फ्लॉप में, ये डायग्राम, देन ट्रूथ टेबल, देन डिस्क्रिप्शन एंड देन लॉजिक डायग्राम। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।